नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल एजुकेशन निकेतन पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो लोक सेवा आयोग बिहार ने जो है अभी आंसर की जारी किया था, और उसके संदर्भ में मैंने जो है कुछ उसके बारे में आपको कट ऑफ के बारे में भी बताया था, और उसके साथ साथ आयोग ने आंसर की तो जारी की थी, साथ में एक जो है आपत्तियाँ भी आपसे मांगी हैं, उसका फॉर्मेट भी प्रस्तुत किया गया है। वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें जो है डेट निर्धारित किया गया है कि 7 जनवरी तक ये चीज़ जो है 5 बजे तक वहाँ पर आपका जो है पहुँच जाना चाहिए स्पीड पोस्ट। और किसके नाम से यहाँ पर जो है भेजना है, ये है संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग। तो ये फॉर्मेट है आपका, इसमें क्रम संख्या दिया है, प्रश्न संख्या दिया है, प्रासंगिक का उत्तर है, उम्मीदवार द्वारा सुझाया गया उत्तर है, आपत्ति का आधार और सोर्स क्या है। तो इसमें आप लूसेंट और इन सब चीज़ों को मत भेजिएगा। सबसे पहली बात ये है, आपके पास एनसीईआरटी हो या कोई बढ़िया अथेंटिक बुक हो, या बिहार की कहीं आर्थिक समीक्षा या बिहार सरकार द्वारा कोई और चीज़ इशू किया गया हो, तो वही चीज़ जो है वहाँ पर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कीजिएगा। तो इस बारे में सबसे पहले आप यहाँ पर क्लियर हो जाएँ। मित्रों, आपको हम उन प्रश्नों को बता रहा हूँ जिन पे आप आपत्तियाँ भेज सकते हैं, और उनका मेरे पास अथेंटिक सोर्स भी है, और मैं बताऊँगा कौन सी बुक है या कहाँ एनसीईआरटी लिए हैं, और उस पे आप चाहे जितने नंबर पर आप सेटिस्फाइड हो सकते हैं, चाहे 2 प्रश्न हो या 4 प्रश्न हो या 6 प्रश्न हो, तो उस अपने हिसाब से जितना आपको लगे वहाँ भेजना चाहिए आप भेज सकते हैं। तो इसके बारे में मैं पहला जो है ये बताने जा रहा हूँ, जिसमें आयोग ने थोड़ा अपना अलग तरीके से बताया है। तो इसमें क्या बोला है कि जो ये एक सरकारिया कमीशन था, तो उसमें कब रिपोर्ट सबमिट की गई थी, इसमें सबमिटेड की बात कर रहा है। तो इन्होंने तो भैया ई ऑप्शन मार दिया है, लेकिन इसमें हम आपको बता रहे हैं कि क्यों 1987 होगा। तो आपको लक्ष्मीकांत वाले सोर्स में, लक्ष्मीकांत का सोर्स बता रहा हूँ, आप 14.13 पेज पर चले जाएंगे, वहाँ सीधा सीधा क्या दे रहा है, द फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड, यहाँ पे आपको हमें दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, सबमिटेड अक्टूबर 1987। तो यहाँ सबमिटेड की बात कर रहा, ना कि ऑफिशियली जो समरी रिलीज की गई थी उसके बारे में। तो आपको यहाँ पे पूरा क्लियर दिख रहा होगा कि फाइनल रिपोर्ट वाज सबमिटेड अक्टूबर 1987। ये लक्ष्मीकांत है, अथेंटिक सोर्स है, तो इस पर जो है आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। मित्रों, अगला क्वेश्चन है जो जिस पे आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, और उसके पास आपके पास एक पुख्ता जो है सोर्स में दे रहा हूँ, क्या कह रहा है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। तो इसमें आयोग ने जो है सीधा सीधा आंसर इसका 1912 बी ऑप्शन माना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 1936 क्यों होगा, क्योंकि जो अभी 63rd जो BPSC आयोजित की गई थी प्रारंभिक परीक्षा में, तो उन्होंने खुद यह क्वेश्चन एक बार पूछा है, और आपको मैं सोर्स बता रहा हूँ कहाँ पर। यहाँ पे आप डी सीरीज जो है, जो 63rd नंबर परीक्षा, 63rd BPSC पूछी गई थी परीक्षा जो आयोजित की गई थी, उसमें क्या ऑप्शन पूछ रहा है, 50वां नंबर क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जब बिहार अलग राज्य बना, तो किस आधार पर 1912 हो जाएगा, क्योंकि 1935 में जब अधिनियम आया तो उसी के तहत 1936 में बना होगा, तो 1912 में कैसे बन गया वो। तो यहाँ पे ये आप साक्ष्य दे सकते हैं कि जो 63वीं BPSC परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी, तो उसमें ये चीज़ जो है 50 नंबर क्वेश्चन और डी सीरीज का ये है, तो आप इसको साक्ष्य के रूप में दे सकते हैं उनको। अगला क्वेश्चन जिस पर जो है विवाद है और उस पर आपत्ति जो है दर्ज करा सकते हैं, तो क्या है, नील विद्रोह के बारे में क्या सही है। तो इसमें ये जो है सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन को मैं बता रहा हूँ कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। तो ये आयोग अब सी ऑप्शन ये मान रहा है, जबकि इसका ए ऑप्शन देखेंगे तो क्या है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। भैया तो दोनों में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है ना, तो ए और सी दोनों होने चाहिए, जबकि आयोग सी दिया है। तो आपको मैं साक्ष्य दिखा रहा हूँ बिपिन चंद्रा का, जो है पेज नंबर 21, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है कि सीधा सीधा, दरअसल नील उत्पादकों ने किसानों को जबरन नील की खेती करने पर आरफे से मजबूर कर रखा था, जबकि किसान अपनी बढ़िया उपजाऊ जमीन पर चावल उगाना चाहते थे। तो भैया ये तो करना नहीं चाहते। तो पेज नंबर 22 है, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, बिपिन चंद्रा की बुक में सीधा सीधा ये आपको जो है आंसर दिया गया है। तो आप इसको जो है आपत्ति के रूप में, ये साक्ष्य जो है आपको मिल गया है, आप इसको भेज सकते हैं। मित्रों,
जो डीएनए वाला बहुत सारा जो है लोग कह रहे थे कि फ्रांसिस क्रिक वाला जो ऑप्शन सही माना जाएगा, ए ऑप्शन जो जिसके साथ लोग जा रहे थे। अब उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि साक्ष्य मौजूद है, आयोग का आंसर वो सही है, इस पे आपत्तियां भेजेंगे तो निरस्त कर देगा, क्योंकि ये सबसे ऑथेंटिक सोर्स है कि जो क्लास 12 बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक है उसके पेज नंबर 97 पर, यानी चैप्टर 6 पर चले जाएंगे तो यहाँ पे आप जो है पढ़ सकते हैं क्या दिया है। यहाँ पे सीधा सीधा आप देखिए ना कि क्या दे रहा है, ये देखिए लाइन यहाँ पर, फेडरिक मिशार 1969, इस लाइन को पढ़िए तो इसमें क्या दे रहा है कि 1869 में ही डीएनए खोज हो गई थी, और ये उसके लगभग 100 साल बाद जो है, उसके 100 साल बाद जो है ये चीज़ जो है 1953 में वाटसन और क्रिक ने जो है इसका जो है डबल हेलिस की खोज की थी इसमें। तो इस पे आप आपत्ति मन के भेज दीजिए, लेकिन ये जो है मान्य नहीं होगा, क्योंकि ऑथेंटिक, इससे ऑथेंटिक सोर्स और कुछ नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन जिस पे आप आपत्ति भेज सकते हैं वो है 43rd क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है, हरित क्रांति के प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। तो इसमें जो है आयोग बीज उर्वरक जल तकनीक आंसर माना है, जबकि इसमें हाई यील्डिंग की भी बात हो रही है, मतलब उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। अब जो है इस पे आपके पास अगर कोई पुख्ता साक्ष्य है तो इस पे आप आपत्ति भेज सकते हैं। वैसे मैं विकिपीडिया का जो है आपके पास एक जो है सोर्स बता सकता हूँ। हाँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो लाइन देखिए ना यहाँ पे, इसके बीच में जो मैं घेरा कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है, 1960 में क्या हुआ था, हाई यील्डिंग की वैरायटी की बात कर रहा है, और जो है इस वजह से जो है ये आंसर जो है आपका जो है हो सकता है कि ई ऑप्शन मान ले, तो जो है इस पे आप आपत्ति भेजिए। और अगर कहीं ऑथेंटिक सोर्स हो कोई एनसीईआरटी वगैरह तो आप भी कुछ जो है मेहनत कीजिए। मित्रों, एक जो सबसे सबसे और मान रहे थे कि ये मेरा क्वेश्चन सही ही होगा, वो सबको जो है धोखा दिया है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी तो चांदनी चौक से पालम। आपको मैं कुछ लोगों द्वारा साक्ष्य भेजे गए हैं, आप उसको मैं दिखा रहा हूँ कि आप उसको जो है आपत्ति के रूप में भेज सकते हैं अगर आप सेटिस्फाई हैं तो। हाँ, तो ये जो मित्रों आप इसको जो है साक्ष्य के रूप में भेज सकते हैं, ये जो फॉरवर्ड गोइंग बैक टू 1850, तो ये जो है हमारे पास व्हाट्सएप से एक सोर्स प्राप्त हुआ है, आप इसको जो है आपकी इच्छा हो तो आप इसको एज ए सोर्स भेज सकते हैं, लेकिन इसमें किंगडम के बारे में शाह आलम को जो है दिखाया गया है, यहाँ आप जो है देख सकते हैं किसके बारे में बोल रहा है ऊपर, शाह आलम के बारे में। तो इसलिए जो है अगर आपकी इच्छा हो तो इस पर भेज सकते हैं। वैसे ये सबका क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि इसको सब मान रहे थे कि दिल्ली से पालम जो है उसकी बाउंड्री थी, और इसके बारे में आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको भेजना है कि नहीं भेजना, लेकिन मैं आपको जो है क्योंकि व्हाट्सएप पे ये चीज़ आया है तो आपको जो है भेज दे रहा हूँ। मित्रों, मेरे पास एक सोर्स ये भी आया है, तो इसमें देखिए ना जो अंडरलाइन दिख रहा है तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक ऐसे बूढ़े बादशाह बहादुर शाह जफर को क्रांतिकारियों ने अपना बादशाह घोषित किया था जो सिर्फ चांदनी चौक से पालम तक की दिल्ली का ही नाममात्र का सम्राट था। तो ये उतना ऑथेंटिक सोर्स तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग भेज रहे हैं तो इसलिए इसको आप जो है भेज सकते हैं आपत्ति के रूप में, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि आयोग इसको मानेगा। तो मित्रों आपको मैंने पूरा जो है कोशिश किया है बताने के लिए कि जो है क्या साक्ष्य हैं, बहुत हद तक मैं काफ़ी हद तक जो है आपको जो है साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक हैं, और आप उनको जो है जल्द से जल्द भेजिए। और एक बार फिर मैं कट ऑफ के बारे में बताना चाहूँगा कि कट ऑफ कितना होगा। तो देखिए इसमें जब आयोग की आंसर आई है, आंसर की आई है आज, तो उसमें सबके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन घटे हैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन घटने के कारण जो है कट ऑफ जो है, जो पहले लोग बहुत कह रहे थे कि 95-96 जाएगा, पेपर इजी है या ये है बहुत ही सिंपल है, तो वो अब चीज़ इसमें नहीं रह गया है। अब 5 से 6 क्वेश्चन घटने के कारण कट ऑफ मैक्सिमम जनरल का जो है 92 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ओबीसी का 88, ईबीसी 85, एससी 83, एसटी 82, और जो है फीमेल का जो है वो फ्रीडम फाइटर का जो है 80 जाएगा, और वुमेंस का जो है 85। तो आप इतना है तो आप श्योर हो जाइए जो है कि हो ही जाएगा आपका, और आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और हाँ, ये आपको एक और बात बतानी है कि कुछ लोग जो है कमेंट जो है
उग्र होकर कर देते हैं काफ़ी लोग जो है कमेंट, तो इतना जल्दी आप सभी सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो इतना जल्दी उग्र नहीं होना चाहिए आप लोगों को, और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पे उग्र हो जा रहे हैं तो आगे भी आपके मनोवृत्त में ये चीज़ जो है बनी रहेगी, तो ये आसानी से नहीं जाएगी। तो आप कूल होकर जो चीज़ दिख रहा है, जिस पर आप सहमत हैं उसको सही मानिए, जिस पर नहीं सहमत हैं उसको मत मानिए, तो इसमें कोई बाउंडेशन की बात थोड़ी ना है। और हाँ, आपसे एक और गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये चैनल आपका ही है और आपको ही ये जो है प्रोत्साहित कर रहा है, और आप हमारा भी उत्साहवर्धन बढ़ाएं, और जो है इसी के साथ ही धन्यवाद।